हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्वीट कर्न का दो डिशेस, जो कि उसमें से हम एक कर्न चाट बनाएंगे और एक कर्न फ्राई। आप तो देख रहे होंगे कितना सुंदर दिख रहा है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैं एक पतीले में पानी ली हूँ, उसमें कर्न ऐड कर दी हूँ। फिर इसको अभी हमें बॉयल करना है बस 2 मिनट के लिए। अगर आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दी, अगर आप बॉयल करके करेंगे तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। मैं इससे पानी ड्रेन कर दी बॉयल होने के बाद। फिर मैं एक बाउल में कर्न ली, फिर उसको एक अनदर बाउल में ऐड कर दी, फिर एक छोटा सा प्याज को बारीक से कटा हुआ ऐड कर दी, फिर छोटा सा टमाटर, कुछ धनिए के पत्ते ऐड कर दी, फिर उसमें चाट मसाला, नॉर्मल सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, सब ये तीनों ऐड कर दी। फिर इसको अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून नींबू का रस ऐड करूँगी। इसको बस अभी एक मिक्स दे दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स करना पूरा, जैसे ये बिल्कुल कोट हो जाए सब मसाले के साथ। ये हमारा इजी स्वीट कर्न चाट बनकर रेडी हो गया। ये खाने में टेस्टी और हेल्दी भी है। अगर इसमें आप स्प्राउट्स भी ऐड कर देंगे तो अच्छा होगा। मैं हमें सेकेंड वाला शुरू करना है। इसके लिए मैं एक कढ़ाई ली हूँ, उसमें 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड कर दी हूँ। फिर इसको गर्म होने छोड़ देना है। ये थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा कटी हुई ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मैं मेरे बच्ची के लिए कम ऐड की हूँ। अभी हमें इसमें थोड़ा सा करी लीफ, जो कि करी लीफ को ऐड करना है। देखिए कड़ी पत्ते को मैं ऐड कर दी। फिर क्यूमिन सीड्स, थोड़ा सा जीरा, उसको अभी हमें सॉटे करना है। थोड़ा सा सॉटे कर दीजिए। फिर उसमें हमें कटी हुई प्याज डालना है। प्याज ज़्यादा छोटा नहीं या ज़्यादा मोटा नहीं, बस ऐसे रफली चॉप कर दीजिए। मैं एक बड़ा सा प्याज ली हूँ। फिर इसको ऐड करने के बाद उसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसको सॉफ्ट होने छोड़ना है, गोल्डन ब्राउन तक पकाना नहीं है। फिर इसको इस तरह थोड़ा सा सॉटे कर दीजिए। और मैं 1 मीडियम साइज टमाटर को भी इसी तरह ही टमाटो को चॉप कर ली हूँ रफली। फिर इसको एक मिक्स दे के मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक, पहले से हम नमक ऐड किए थे जब बॉयल किए थे, तो उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। फिर 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, फिर 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है। अभी हमें इसको एक मिक्स देना है। मिक्स देने के बाद थोड़ा सा अभी हमें इसको कवर कर पकने छोड़ देना है। मैं इसको कवर कर दी, टमाटो सॉफ्ट होने तक इसको छोड़ना है पकने के लिए। फिर मैं 2 से 3 मिनट के बाद इसको निकाल कर देखी तो टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है। अभी हमें इसमें जो हम कर्न रखे थे बॉइल्ड कर्न, उसको एक बोल में इसमें मैं ऐड कर दी। मैं एक बोल के लिए ये सब मेजरमेंट्स क्वांटिटी बताई हूँ, अगर आप ज़्यादा लेंगे उसी हिसाब से सब क्वांटिटी ऐड करेंगे। फिर इसको मिक्स करके कवर करके 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि ये मसाले सब उसके साथ कोट हो जाए। तो मैं अब 2 मिनट के बाद कवर निकाल कर इसको बस एक मिक्स कर दी। फिर हमारा ये कर्न फ्राई रेडी हो गया। देखिए दोनों में दिखाई हूँ कितना सुंदर दिख रहा है, एक बिना तेल के और एक तेल के, बहुत ही कम तेल के मैं बनाई हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।